तो इस वीडियो में सीखेंगे व्हाट्सएप के टॉप 10 हिडन ट्रिक्स एंड कुछ न्यू अपडेट। इस वीडियो कंप्लीट वॉच करना विदाउट स्किप किए हुए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बिकॉज आगे भी इस तरीके के इंफॉर्मेटिव टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक्स की बात करें तो फ्रेंड्स, अक्सर ये प्रॉब्लम बहुत लोग फेस किए हैं कि जैसे मान के चलो ये चैट से कोई फोटोज़ वीडियोज़ रिसीव हो रही है, वो गैलरी में शो नहीं हो रही है। ये प्रॉब्लम अक्सर हमें देखा गया है कि बहुत लोग फेस करते हैं, राइट? अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हो कि आपका कोई भी चैट का इमेजेस या वीडियोस गैलरी में शो नहीं हो रही है, तो सिंपल, सबसे पहले थ्री डॉट पर टैप करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद चैट पर टैप करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ मिलेगा मीडिया विजिबिलिटी। देखिए मीडिया विजिबिलिटी बाय डिफॉल्ट ऑन है और काफ़ी लोग का कहना यह भी है कि हम इसको ऑन किए हैं उसके बावजूद भी गैलरी में इमेजेस और वीडियोज शो नहीं हो रही है। डोंट वरी, पहले मेरे स्टेप को फॉलो करना, एक बार इसको चेक करना कि ये ऑन है या ऑफ है, ठीक है? अगर ऑन भी होगा ना तो इसको एक बार ऑफ कर लेना और ऑफ करने के बाद फिर से ऑन करना, राइट? उसके बाद बैक कर लेना। अब यहाँ पर देखना कि किस चैट का इमेजेस और वीडियोस आपके गैलरी में शो नहीं हो रही है। अगर मान के चलो किसी भी चैट का शो नहीं हो रहा, तो सिंपल से उस चैट को ओपन करना और ऊपर इसके प्रोफाइल का जो लोगो है ना, जो डिस्क्रिप्शन, इसके ऊपर टैप करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ मिलेगा मीडिया विजिबिलिटी, इस पर ऑन करेंगे। यहाँ पर तीन ऑप्शंस मिलेगा, डिफ़ॉल्ट, यश और यश नो। आपको सिंपल से यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, डिफ़ॉल्ट से हटा के यस करना है और ओके पे यहाँ पे मतलब क्लिक करना है, ठीक है? अब इस इमेज जो चैट है ना, इस चैट पे जो भी इमेजेस आई होगी ना, वो सारे हमारे गैलरी में देखने को मिलेंगे। तो आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारे चैट्स के मीडिया विजिबिलिटी को एक बार ऑन कर ऑफ करके ऑन कीजिए, ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक की बात करें तो फ्रेंड्स, ये अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर मुझे देखने को मिला। जैसे मान के चलो ये अपडेट का सेक्शन है, हम यहाँ किसी बंदे का स्टेटस को देख रहे हैं, राइट? जैसे मान के चलो हम इसका स्टेटस देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्टेटस में देखोगे ना तो आपको नीचे में रिप्लाई का ऑप्शंस मिलेगा। हालांकि पहले यहाँ पे रिप्लाई का इतना बड़ा बॉक्स देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे रिप्लाई के ऑप्शंस पर क्लिक करोगे ना तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ से बाय डिफॉल्ट इमोजी को रिएक्ट कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इस स्टेटस के ऊपर ना रिप्लाई के मेथड से आप यहाँ पे अटैच फोल्डर के पे क्लिक करके कोई इमेज भी सेंड कर पाओगे, इंस्टेंट कैमरे को ऑन करके इंस्टेंट कोई पिक्चर को कैप्चर करके सेंड कर पाओगे। वॉइस क्लिप के ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके वॉइस मतलब रिकॉर्ड करके भी सेंड कर पाओगे। मतलब व्हाट्सएप स्टेटस को रिप्लाई देने के लिए भर भर के ऑप्शंस यहाँ पे व्हाट्सएप ने ला दिया है। की बात करें तो ये भी है व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर ही, अगर आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हो जैसे कि मल्टीपल फोटो, जैसे मैं यहाँ अपना स्टेटस में मल्टीपल फोटो मैंने लगाया है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? अब देखिए, आप इस पर थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करेंगे ना तो इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। अब इनमें से जिस फोटो को आपको फॉरवर्ड करना है ना, सिलेक्ट करना, और यहाँ पर आपको एक यहाँ पे सेंड फॉरवर्ड का आइकन मिलेगा और यहाँ आपको शेयर का भी आइकन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे शेयर कर पाओगे, लेकिन इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ आपको मल्टीपल एप्लीकेशन मिल जाएगा जहाँ आप इसको शेयर कर सकते हो यहाँ से, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप यहीं से इस इमेज को कहीं भी शेयर कर पाओगे, ठीक है? तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कीजिएगा। अपडेट की बात करें तो फ्रेंड्स, ये है व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप स्टेटस से रिलेटेड। अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस लगाए हो मल्टीपल फोटो इस तरीके से, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें डिलीट करने के लिए ना, हम इस थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, यानी थर्ड आइकन पे क्लिक करके हम यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। लेकिन इस तरीके से डिलीट करने में ना थोड़ा टाइम हमारा वेस्ट जाता है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल फोटो काफ़ी लोग स्टेटस के अंदर शेयर करते हैं। बट थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करेंगे, इस तरीके से जितना चाहे उतना डिलीट करना है, डिलीट आइकन पे क्लिक करेंगे, एक ही बार के अंदर आप सारा स्टेटस का फोटो डिलीट कर पाओगे। देखिए डिलीट होना स्टार्ट भी हो चुका है, तो आप इस तरीके से इसको डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो फ्रेंड्स, ये है चैट से रिलेटेड। अगर आप चैट को ओपन करोगे और यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर जो ऑप्शन है स्टिकर का, देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये है जो इमोजी, इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन स्टिकर, ठीक है? स्टिकर पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी तक अपडेट नहीं मिला है बहुत लोगों का, और काफ़ी लोगों का मिल भी चुका है, ठीक है? यहाँ पे ना आप खुद के फेस का ना आप क्रिएट कर पाओगे स्टिकर, जैसा कि अभी यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। हाँ, आप चाहते हैं मल्टीपल स्टिकर को डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, यहाँ भर भर के आपको स्टिकर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आने वाले कुछ दिनों में ना यहाँ आप खुद के फेस का स्टिकर क्रिएट कर पाओगे। मैं यहाँ पे अवतार की बात नहीं कर रहा हूँ, अवतार ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टिकर के अंदर भी खुद का फेस का स्टिकर क्रिएट करने का व्हाट्सएप फीचर्स ला रही है, वो कुछ दिनों के अंदर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हिडन ट्रिक्स की बात करें तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपको पता होगा, कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर वीडियो मैसेज की एक ऑप्शन लाई गई थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। डोंट वरी, ऑप्शन आज भी अवेलेबल है। सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो आपका कैमरा का जो आइकन दिख रहा है ना, इस पर थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करिएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है? लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करके ऊपर स्वाइप अप कर लेंगे, ये लॉक हो जाएगा। और आप चाहे तो यहाँ पे जो कैमरा का जो यहाँ पे जो फ्लिप का ऑप्शन मिल रहा है,
आप इस रोटेट आइकन पर क्लिक करके ना कैमरा को फ्लिप कर पाओगे बैक से फ्रंट, फ्रंट से बैक। एंड यहाँ आपको शेप का ऑप्शन मिलेगा, इस वीडियो मैसेज को डिलीट करना है, डिलीट का आइकन पर क्लिक करके डिलीट भी कर पाओगे। तो मतलब वीडियो मैसेज आज भी अवेलेबल है, बस इसको यूज़ करना काफ़ी लोग नहीं जानते हैं क्योंकि हिडन है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो फ्रेंड्स ये है व्हाट्सअप DP को लेकर। मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ इस अपडेट को लेकर, ये बहुत हद तक आपके सिक्योरिटी को इंक्रीज कर दी है। जैसा कि मान के चलो पहले क्या होता था, यहाँ पे DP पे क्लिक करके किसी का DP का हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके उसका मिस यूज़ करते थे, लेकिन अब आप नहीं कर सकते। आप जैसे इस जो DP है ना, इस DP को स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाओगे। देखिए दिस ऐप डज नॉट अलाउ स्क्रीनशॉट। तो आप इस तरीके से अपना DP को ना सिक्योर कर सकते हो। हाँ, इसके लिए कोई एप्लीकेशन या कोई ऑप्शन नहीं है जो कि आपको इनेबल करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अप्लीकेबल हो जाएगा सभी के DP के ऊपर। हाँ, आप ट्राई कीजिए कि आपका DP का स्क्रीनशॉट हो रहा है या नहीं। हाँ, अपना DP का मत करना, दूसरे का DP, आपका DP करोगे तो आपका डिवाइस से इजीली हो जाएगा। आप दूसरे का DP का स्क्रीनशॉट लेना, देखना वहाँ पे स्क्रीनशॉट हो रहा है या नहीं, कमेंट करके ये भी बताना कि हुआ या नहीं हुआ। अपडेट की बात करें तो फ्रेंड्स ये भी अपडेट बहुत दिनों से मिलना स्टार्ट हो गया है और काफ़ी लोग इसको यूज भी कर रहे हैं। जैसे मान के चलो आप मतलब कहीं पे जा रहे हो मार्केट में, ठीक है, और बहुत सारे शॉपिंग करनी है तो आप भूल जाओगे, आपको नोट एप्लीकेशन याद आएगा कि आप नोट एप्लीकेशन में सारा कुछ को नोट कर ले। लेकिन अब आप अपने मोबाइल से नोट एप्लीकेशन को ना अनइंस्टॉल कर लो, व्हाट्सअप ये प्रॉब्लम को सोल्यूशन ला दिया है। जैसे कि मान के चलो आप जैसे यहाँ पे वन टैप करके यहाँ पे डॉट टैप करोगे, यहाँ पे डॉट पे क्लिक करके स्पेस करोगे, अब यहाँ पे मान के चलो जो भी आपको लिखना है, जैसे मान के चलो यहाँ पे लिख देता हूँ आटा, और यहाँ पे मैंने यहाँ बैक बटन को प्रेस किया, इस तरीके से जो भी आपका राशन का सामान लेना है इस तरीके से बस करते जाओ और यहाँ पे टाइपिंग करते जाओ, ऑटोमेटिक यहाँ पे नोट बनता चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सिर्फ आप नंबर का नोट नहीं बना पाओगे और भी कुछ कर पाओगे। चलिए मैं यहाँ से पहले इसको रिमूव कर लेता हूँ। अब मैंने रिमूव कर लिया, अब सिंपल यहाँ से स्टार का जो ऑप्शन है ना, आप स्टार पर क्लिक करोगे। जैसे मैंने यहाँ पर स्टार पर क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टार पर क्लिक किया, अब यहाँ से हम यहाँ पे स्पेस कर लेंगे, ठीक है, डॉट हो गया। अब इस तरीके से करोगे अब सिर्फ डॉट बनेगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप इस तरीके से नोट क्रिएट कर पाओगे अपने व्हाट्सएप के अंदर, जो कि मुझे काफ़ी इंप्रेस किया। आप कमेंट में बताना कि ये भी फीचर्स आप यूज़ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आपको सारे अपडेट और सारे हिडन ट्रिक्स समझ में आ गई होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन रह गई हो, इंस्टेंट आप इस ID पर मैसेज करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।